बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में शुक्रवार की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ शाम 6:30 बजे समाप्त हुई। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 12 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन था। एक जवान को थोड़ी चोट आई है लेकिन वो खतरे से बाहर है। 12 नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान घायल? एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। नहीं, न सिर्फ उतना है वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं, उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं, गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं, 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जनजागरण का विषय भी है। नियत नलनार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको, उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे। वो चार जून आने दीजिए, देखते हैं। उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा, जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को भारत में होने पर ऐसा ही होता है कहना जारी रखा, वो आज ये न सिखाएं, ये न बताएं जनता को कि ये कैसे हुआ है। अब 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं दिखती है देश में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सीमाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। अब इनको कहां कौन बताएगा, हम जनता को बता रहे हैं, जनता समझ रही है बात। सर विनोद शर्मा? हाँ ऐसा ही ना है, ऐसा ही है वो ठीक। मतलब जब भी आदमी को मन में अच्छे विचार आते हैं तो उस अच्छे विचार पर काम करना चाहिए। जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके कहीं दूसरी जगह काम शुरू कर रहे हैं वो मेरे ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।